So this is the Dominar 400, and this bike belongs to SB Travel Vlogs. Swarnayu, Bhattacharya, my childhood friend, and here is my Dominar 400. Aaj first time isko Ramesh ko bhaga rahe ho. Dekhte ho kaisa tour hai. Aap log bhi dekhiye. And meri first time in Dominar 400 on highway. So kya lag raha hai? Kya smooth hai bhai saab? Kya smooth hai? तो अब बहुत चला लिया इसको हाई स्पीड में, अब नहीं चला रहा. अब बस इसका इनको फ्यूजन मोड को फिट किया एंड फिर फिट किया एंड अब इसको मजा लेना है. बस इसी स्पीड में इसको मजा लेना है. तो क्या लग रहा है? वो बना लिया फुल पावर फ्यूजन के लिए. आप आराम से इसको 110 120 में क्रूज करो. बस ऐसे डिवाइडर ना हो कहीं, सही है? ऐसे डिवाइडर होने से दिक्कत है, बार बार स्पीड स्लो करना होता है. गिया 603 में आ गया. हमारे यहाँ का रोड ही ऐसा है और कुछ नहीं. इसका फर्स्ट सर्विसिंग हुआ है, सेकंड सर्विसिंग बाकी है. ये सब देख लीजिए कैसा रास्ता है, कैसे लोग है, कैसे ही तो चलते हैं यहाँ पे सब लोग. तो सही है और पूरा मजा जिंदगी का ऐसी मजा तो इसको लेकर है. क्रूजिंग का मजा तो इसको लेकर बहुत ज्यादा है. और वो वीडियो बहुत कुछ कम शॉर्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा. मम्मी भी नहीं दिखाऊंगा. स्टार्ट करने का मेरा मन ही बहुत है. ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सौरभ प्रेम का ब्लॉग. एंड वो ब्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया पहले, उनको अभी आ गया. तो देख लीजिए, मजा लीजिए. हम भी मैं तो पूरा मजा ले रहा हूँ राइड का, और आप लोग भी मजा लीजिए मेरे साथ. मतलब कुछ शुरू नहीं हो रहा है. 80-85-90 कुछ शुरू नहीं हो रहा है. चलिए थोड़ा देखते हैं. 100 है कि 100+ को क्लिक करके देख मजा आएगा. देखते 100+ में कितना मजा आता है. 100 इसका ऊपर भी नहीं स्पीड है. 100 कुछ शुरू नहीं हो रहा है कि 90-100 में गाड़ी चल रहा है. और प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत ही सही प्राइस पॉइंट है. 2.5 लाख के अंदर अभी शायद से 279 आएगा प्राइस, लेकिन फिर भी जो भी प्राइस पॉइंट है इसको इसको मुकाबले अगर प्राइस फेयर को अगर इसका कंपेरिजन किया जाए तो 290 का कंपेरिजन होता है. लेकिन इसका भाई साहब आपको तो मालूम नहीं होता प्राइस कितना आए हो. उसी हिसाब से तो इसका प्राइस बहुत लो है. और इस प्राइस के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से, हर कुछ के हिसाब से बहुत सही बाइक है. क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे जिसका बाइक है मेरा दोस्त, उसमें अभी रिसेंटली ट्रेवल करके आया है. उसके बाद तो माउंटेन्स घूम के आया है. तो यहाँ पे उसको अगर उसमें 30 का माइलेज मिला तो 400 के हिसाब से 30 माइलेज गुड. हम लोकल में वो बोल रहे हैं अभी 400 महीने के बाद 25 माइलेज हो रहा है. तो चलिए ऐसा इट्स गुड, इट्स नॉट बैड. क्योंकि पेटीएम में तो इतना माइलेज भी नहीं मिलता है. और इसका तो भाई साहब फील ही अलग है. ग्रीन बीस्ट, ग्रीन हल्क. भाई भाई इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है? ये पेगासस. इसका नाम है पेगासस, ठीक है? तो चलिए अब थोड़ा खाली रोड मिल सकता है. देखते हैं थोड़ा 100+ में क्रूज करके. वो जो रोड आ रहा है वो आ रहा है मालवा टाउन के अंदर से. एंड वो आपको बाइकर्स में कनेक्ट होता है. हम जो सुखना था पीछे वो डिवाइडर था पहले, वो देखते ही हम लोगों का घुसना पड़ता था, उधर से निकलना पड़ता था. अभी उसको सिग्नल सिग्नल बना के अच्छा कर दिया है. फिर भी रस्ते में लेट कर क्या बनाया है डोमिनार. मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से डोमिनार चला रहा हूँ, इसलिए मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है. हम देख तो पहले ही एक वीडियो में बोल ही दिया था मुखियाल वाले ने, फर्स्ट राइड का इंप्रेशन फर्स्ट राइड में ही मिलता है. वो सेकंड राइड नहीं होता है. फर्स्ट राइड इंप्रेशन इज सो गुड विद डोमिनार.
और वो जो एक्सप्लोजन दे रहा है ना 5,000-6,000 आरपीएम के बाद, वो सेम टू इमेज में नहीं आता है। मतलब 5,000-6,000 आरपीएम के बाद जो उसका एक्सप्लोजन पावर सुनता है, पावर बैन को सुनता है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। किलोमीटर चला ही चुका है तो उस मुकाबले तो इसको लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ ही साथ एसबी ट्रैवल व्लॉग्स का चैनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाइए, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके चैनल को भी थोड़ा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर से बेल आइकन पे जरूर से दबाइए। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत बढ़िया सी ब्लॉग पे। तब तक के लिए वर्क आउट एंड लिव लर्न।